नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और हम इस समय खड़े हैं अम्बाला के नेशनल हाईवे पे, यानी ये रास्ता है अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे। और यहाँ पर चलते चलते हमें एक साइकिलिस्ट मिले और जिनका नाम है अरुण मलिक। और ये आप देख सकते हैं कि इस साइकिल पर ये यात्रा कर रहे हैं और आगे जो इन्होंने ये पोस्टर लगा रखा है, ये साफ बता रहा है कि इन्होंने सोनीपत से अपनी यात्रा शुरू करी और उसके दिल्ली से यात्रा शुरू करने के बाद ये किलोंग तक गए और किलोंग की चोटी से ये एक बार फिर इसी साइकिल पर वापस आए और साइकिल के हैंडल पर तिरंगा लगा रखा है, भारत का तिरंगा, भारत की आन, भारत की शान। और इसी भारत को ये पोल्यूशन फ्री करना चाहते हैं, प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं। और साइकिल पर जिस तरीके से इन्होंने यात्रा की, इसी एक साइकिल पर सारे इंतजाम इन्होंने किए हुए हैं। ये आगे बैग है जिस बैग में इनके कपड़े हैं, ये आप देख सकते हैं कि जीन्स की पैंट का बड़े खूबसूरती से इन्होंने इस्तेमाल करके इसे बैग बना रखा है। पीछे की जो दो पॉकेट्स हैं इसमें आगे जो प्रो कैमरा है और बैटरी, मोबाइल बैटरी चार्ज करने के लिए आप देख सकते हैं ये किया हुआ। और नीचे वाटर बॉटल्स का इंतजाम किया है और साथ ही अगर साइकिल में कोई दिक्कत हो जाए तो जो ये टूल्स हैं इनको भी इसी जगह जो है वो रखा गया है। यानी कि छोटी सी साइकिल को अपने हिसाब से जो है वो पूरा कॉम्पैक्ट बनाया है, रात को कोई परेशानी ना हो। लाइट का जो है वो भी इंतजाम है, दो दो लाइट्स जो है वो यहाँ पर लगाई गई है सेफ्टी के लिए। ये जो हेलमेट है ये भी है। और बड़ी बात ये कि हालांकि उम्र जो है वो इनकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ये संदेश देना चाह रहे हैं वो संदेश अपने आप में काफ़ी बड़ा संदेश है। मलिक साहब से बात करेंगे। मलिक जी, ये यात्रा शुरू की आपने किलोंग तक, क्या सोच के यात्रा शुरू करी? और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएँ, आप क्या करते हैं, कौन से शहर से? सर, मैं सोनीपत से हूँ और रेवाड़ा गांव है। और मैंने ये यात्रा इसलिए की थी कि अभी हाल में ही जैसे अटल टनल जो बना है तो उस पे गाड़ियों की कतार तो बहुत थी, लेकिन साइकिल पे अभी तक कोई नहीं गया था। तो मैंने प्लान बनाया जल्दी से, क्योंकि ऑफिस का मेरा शेड्यूल था, छुट्टियां कम थी, तो जल्दी से प्लान बना के छुट्टियाँ ली और फिर मैं दिल्ली इंडिया गेट से स्टार्ट करी मैंने राइड और मैं पहुंच गया फिर अटल टनल और 5 दिन में पार करके फिर मैं किलोंग की चोटी पे पहुंचा। क्या उम्र है आप? मेरी उम्र 33। 33 साल की आपकी उम्र है, लेकिन जज्बा जो है वो काफ़ी बड़ा है। जो हमारे दर्शक जो हैं वो हमारी इस खबर को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि ये जो मैसेज मलिक देना चाहते हैं, ये संदेश जो है वो दूर तक जाए। जो लोग इस खबर को देख रहे हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस मैसेज को समझ पाएं। आप किलोंग तक गए इस साइकिल, कितने दिन में सफ़र जो है ये तय किया? सर, आज 10वां दिन है, मैं 10 दिन में वापस घर पहुंच जाऊंगा। जब आपने ये सफ़र शुरू किया क्या था मन में, क्या क्या मैसेज जाएगा लोगों को? और जब आपने ये मुहिम शुरू की थी तो क्या सोचा था? सर, मुहिम जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू करी आज से तकरीबन 10-12 साल पहले, तो बस यही था कि जब मैं साइकिल चला रहा हूँ तो और क्यों नहीं चला सकते। फिर मैंने नीदरलैंड को देखा। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जो अपने ऑफिस जाने के लिए, अपनी मार्केट जाने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए वो हमेशा साइकिल ही यूज़ कर सकते हैं। तो जब नीदरलैंड कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत में ऐसे कौन से ऐसे लोग हैं जो वो काम नहीं कर सकते? तो मैंने उसी को ये आगे बढ़ाया कि भारत में भी एक ऐसा ही मैसेज होना चाहिए कि हम हर सिटी में साइकिल स्टैंड हो, साइकिल लेन हो और साइकिलिस्ट हों, ज़्यादा साइकिलिस्ट हों। गाड़ियां हम तब उठाएं जब हमको 50-60 किलोमीटर दूर जाना हो। अपने शहर में गाड़ियों का अगर एक बंदा जा रहा है तो उसका मतलब ही नहीं गाड़ी उठाने का। यहाँ तो जो है वो लंबी गाड़ी जो है वो शान का प्रतीक है। जिसके पास जितनी लंबी गाड़ी है इतनी ऊँची उसकी शान है। हाँ, लेकिन उसकी बॉडी फिर वो शान तभी डाउन हो जाती है। अब जैसे कोरोना वायरस आया है, ठीक है, अगर जो साइकिलिस्ट होगा मैं गारंटी से कहता हूँ उसको कोरोना छू के निकल जाएगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। और
अगर जिन्होंने फास्ट फूड खाए हैं, जो हमेशा गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनकी लंबी लंबी तोंद है, उनकी लंबी लंबी तोंद है, और अगर कोई वायरस उनके अंदर आ जाता है तो वो मुसीबत पैदा हो जाती है उनके लिए। और जो साइकिलिस्ट हैं, जो हमेशा दिन में सुबह या शाम को साइकिल चलाते हैं, वो अपने आप में जोश से भरे रहते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप सुबह 10 से 15 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे तो आप पूरा दिन फिट रहेंगे, पूरा दिन आप तंदुरुस्त रहेंगे। पहले पुराने बुजुर्ग जो हैं वो जो इस्तेमाल ही साइकिल का करते थे, चाहे भले ही जितना भी दूर जाना हो। चलिए, ये मुझे बताइए, जब ये मुहिम शुरू करी और आज का दिन, क्या कारवां बढ़ा या आप अकेले ही झंडा उठाकर घूम रहे हैं? नहीं सर, बढ़ा। अब पहले तो क्या था, जब कोरोना आया तो उससे पहले अगर मैं किसी को साइकिल के लिए बोलता था तो वो मेरे को बोलते थे खुद कि तू तो पागल हो रहा है, तेरे घर में गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, फिर भी दोपहर में साइकिल उठा के चल देते हैं। मैं, चलो कोई बात नहीं, मैं पागल हूँ, ठीक हूँ। अब जैसे ही सिस्टम बदला 5-6 महीने में, तो वो मेरे को कॉल कर रहे हैं कि हमारे लिए साइकिल कौन सी अच्छी रहेगी, कि मैं बोलता हूँ कि भाई मैं तो पागल था, अब तुम पागल क्यों हो रहे हो? तो यही कारण है कि लेकिन हिंदुस्तान में अगर आप बाजार में किसी भी जिले के अंदर निकलेंगे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आपको स्कूटर मोटरसाइकिल पे दिख जाएंगे, उन्हें कैसे समझाओगे? सर, मेरे को उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को माँ बाप को समझाने की ज़रूरत है। माँ बाप समझ जाएगा, बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। अगर माँ बाप साइकिल चलाएगा तो बच्चे अपने आप चलाएंगे। बिना लाइसेंस के उनको टू व्हीलर्स दे देते हैं और घूम रहे हैं बच्चे आजकल सड़कों पर, दुर्घटनाएं भी होती हैं। हाँ, तो गलती किसकी है सर? माँ बाप की है। माँ बाप अगर ये जान लेगा कि मेरे बच्चा है, वो एक्सीडेंट उसका होगा ही नहीं, क्योंकि मैं उसको स्कूटी दूंगा ही नहीं, बाइक दूंगा ही नहीं, गाड़ी दूंगा ही नहीं। और मैं ये बता दूं आपको, कुछ जो अमीर खानदान के बच्चे होते हैं वो गाड़ियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उनको गाड़ी बाइक दोगे ही नहीं तो वो गलत इस्तेमाल क्यों करेंगे? वो स्कूटी और बाइक का इस्तेमाल क्यों करेंगे जब उनको साइकिल मिल रही है? बिल्कुल, बहुत बड़ा जो संदेश है वो इन्होंने देने की कोशिश की। और जिस तरीके से ये साइकिल पर निकले दिल्ली से लेकर किलोंग तक, और किलोंग से अब ये वापस अपने घर, अपने शहर सोनीपत जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है, लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। और ये जो संदेश दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं जाना है, अपने ही शहर में आसपास जाना है, तो आप भी साइकिल का इस्तेमाल करें। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा देश प्रदूषण मुक्त होगा, दूसरा आप स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके प्यार करने वालों के लिए और उनकी सेहत के लिए भी ठीक रहेगा। बहरहाल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मोबाइल फ़ोन पर हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ डाउनलोड करना ना भूलिए। हम आपको अम्बाला से जुड़ी अपडेट्स ऐसे ही देते रहेंगे।